इतनी देर से बज रहा है ये? हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बोलो भाई। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहे हो भाई, बात तो करो। आमतौर पर यह तो सुनने को मिलता है कि लूटपाट की वारदात के लिए किसी की हत्या कर दी गई, लेकिन यहां मामला उलट था। यहां मृतक को लूटा नहीं गया था, बल्कि उसकी हत्या के बाद एक साजिश के तहत उसकी जेब में पैसे ठूंस दिए गए। कौन था मरने वाला शख्स और किसने की उसकी हत्या? क्या संबंध था दोनों के बीच और इस हत्या के पीछे वजह क्या थी? पैसा या कुछ और? मरने के बाद इस व्यक्ति की जेब में पैसे क्यों डाले गए? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह इन तमाम सवालों के जवाबों के साथ सावधान इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी आपने जो देखा, ये एक बेहद खतरनाक साजिश की परिणति थी जिसका खुलासा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मुगले आजम फिल्म, मैडम क्या कमाल के डायलॉग हैं और डीवीडी का प्रिंट भी कमाल है। आप एड्रेस लिखाइए मुझे। हाँ, 300 एक मिनट। ओके, हाँ एक मिनट। हाँ बोलिए, 302 इंदिरा कॉलोनी बागेश्वरी मंदिर के पास। हाँ, 4 बजे तक देता हूँ आपको, ठीक है? खाना? एक मिनट। हेलो, हाँ प्रिया सीडी एंड डीवीडीज, 3 फिल्में। हाँ बोलिए आप, कौन सी? बजरंगी इसको तो टाइम लगेगा अभी डीवीडी आने में। ओके, दूसरी बताइए आप। कौन सी, नाम याद दिया? हासिल, हासिल। इरफान, इरफान सर, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। हाँ, इसी नंबर 10 मिनट। शहजादे सलीम, अगर आप इसी तरह वक्त पर खाना नहीं खाएंगे तो ये अनारकली भूखे रहकर बगावत करेगी। रईस के लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा लाए जाए। तो? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बदतमीजी क्या होती है। क्या कर? आ जाएगा। कौन आ जाएगा? अभी कोई नहीं आता, वैसे दोपहर का टाइम है, कोई नहीं आता। सुना है कानून के हाथ और जेल की दीवारें बहुत लंबी होती हैं, लेकिन इकबाल खान की टांगों से ज्यादा लंबी नहीं। सलाम इकबाल भाई। सलाम बाटो। चले चलो भाई। चल बाटो, बहुत काम है अपने को। हाँ भाई। एक बात कहूं, कभी कभी लगता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है तो कोई सपना तो नहीं है। तुमने एक नालायक को लायक बना दिया। मैंने कुछ नहीं किया, एक भटके राही का हाथ थामा और हम हमसफर बनकर साथ चल दिए। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आज कमाई क्या की है, ऐसे चाहिए। ऐसे चाहिए, ऐसे ये लो। सचमुच मेहनत की कमाई कितना सुकून देती है ना। कब तक हम किराए के घर में रहेंगे? हम लोगों का अपना मकान कब होगा? होगा बहुत जल्द होगा। और तुम देखना, अगर हम उस मकान की छत पर इसी तरह लेट कर चांद देखेंगे, तुम देखोगी ना चांद मेरे साथ।
आधी रात को। इंस्पेक्टर सर, कल रात कहां था तू? कल रात घर पे था। हाँ साहब, कल दुकान से सीधा घर ही आए। तुम्हारे एरिया में चोरी हुई है। सर मैं बिल्कुल फैमिली मैन हो गया हूँ साहब, सारा चोर पुलिस का गेम सब छोड़ दिया साहब मैंने। अब सर यहाँ का अपना और दोनों का टाइम बर्बाद कर रहे हो सर। जिसका हो मान और सम्मान, समय उसी का बलवान। तू तो एक चोर है, चोर हवलदार। यस सर। ले चल इसको। चलो साहब, क्यों लेके जा रहे हैं इन्हें? चल सर। साहब तो तुझे क्या लगा नाम शहर घर बदलने से तू बिक्की नहीं रहेगा क्या? एक बार भी मुझे जेल मिलने नहीं आया तू। चार साल कैसे काटे मुझे पता है, लेकिन तू क्या समझेगा दोस्ती क्या होती है? दोस्ती को तो तूने मिट्टी में मिला दिया, बस उसका जनाजा निकालना बाकी है। ऐसी बात नहीं है, एक बात तुझे नहीं पता, मैं उस जिंदगी से थक गया था, फिर मुझे एक सहारा मिला तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। खास देख, जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं वहां पर इज्जत है मेरी। एक छोटा सा प्यारा सा बेटा है, एक बहुत प्यार करने वाली बीवी है, और जो माँ अपने बेटे को शर्म की नजरों से देखती थी आज उस माँ को अपने बेटे पर गर्व है। अरे मैं तो कहता हूँ तू भी चोरी चकारी बंद कर दे, कोई इज्जत वाला काम कर, शादी कर, परिवार बसा। बस छोड़, भाषण मत दे मुझे, चल चलते हैं पुराने अड्डे पे, बोतल खोलते हैं। अरे मैं माफी चाहूंगा अभी यार, मुझे घर जल्दी निकलना है, बीवी इंतजार करी होगी। तो एक काम कर, ये कार्ड रख मेरा, फोन करना और मिलना जरूर। हाँ कल मैं निकलता हूँ, फोन कर कभी, मिलते हैं फिर। ठीक है चल। ये लीजिए आपकी चाय। रोहन बेटा, रोहन कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। माँ आप खामो का परेशान करिए, यहीं कहीं खेल रहा होगा। अरे बेटा मैंने सब जगह देख लिया,
कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। रोहन बाहर खेल रहा होगा, रुको मैं देखता हूँ। रोहन 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 पीछे देखना था। रोहन रोहन आजा बच्चे, क्या खेलता तू? रोहन 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 तुम यहां पर खेलने आए हो, तुमको घर पे बता के आना चाहिए था ना। सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं वहां पर। हाँ तकलीफ हुई ना, मुझे भी उतना ही दर्द हो रहा है। जब कोई अपना जुदा होता था तो ऐसा ही दर्द होता है। देख दूर में दो जिस्म नहीं एक जान थे, और अब तू न जाने कितनों की जान है। लौटा यार विक्की। विक्की नहीं, विकासपुर देख इकबाल, उस नाम को दफना चुका हूं मैं। देख सच्ची दोस्ती और मोहब्बत जिंदगी में एक ही बार होती है। नमस्कार भाभी। कैसी हैं आप? नमस्कार माँ। और आपसे मिलने को तो हम बड़े बेताब थे, ये क्या किया आपने? मेरे दोस्त को पूरा ही बदल दिया, ये भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। खैर ये लीजिए मुंह दिखाई। नहीं लेना बहू, पता नहीं कहां से चुरा के लाया होगा। अरे भाई इकबाल बहुत सालों बाद आया, और तू क्या इसके साथ बाहर खेल रहे हैं? घर पे आ, चाय वाय पियेंगे, बातचीत करेंगे, चल फिर कभी आऊंगा दोस्त। और चाय नहीं, खाना भी खा कर जाऊंगा, चलता हूं। इकबाल इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उसके कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। अतीत का साया हमेशा पीछा करता रहता है। इस वक्त विकास के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था, लेकिन विकास एक नेक दिल इंसान था, और अब वो अपने अतीत को भुलाकर अपनी जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी से जीते हुए अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहता था। लेकिन दूसरी ओर इकबाल था, जो अब भी पूरी कोशिश में लगा हुआ था कि किसी भी तरह विकास को फिर से गुनाहों के दलदल में घसीट ला। लेकिन क्या विकास इतनी आसानी से अपने अतीत और इकबाल से पीछा छुड़ा पाएगा? क्या लालच और जुर्म की दुनिया से लड़ पाएगा वो, या फिर दोस्ती के दबाव में फिर से अपराध की अंधेरी गलियों में खो जाएगा? पैसे लालच दोस्ती धोखे और बदले से भरी इस कहानी में अगला मोड़ कौन सा होगा? 33 भैरव नगर हटवाड़ा, एड्रेस ठीक है ना? ये लीजिए 200 रुपये। हाँ इकबाल बोल। अरे मारपीट होगी यार, जल्दी आ जा। हमारा मारी हो गई। अरे सोच क्या रहा है, मैयत पे आएगा क्या? किधर आना है? अफराबाद। ठीक 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 है मैं आपको। तो कह रहा था मारपीट हो रही है यहाँ पर, शराब पी रहा था, देख रहा। अरे कुछ नहीं हुआ, देख मैं एकदम फिट हूँ। हाँ मेरे जिगर के टुकड़े।
मैं तो बस ये देख रहा था कि तू भी मुझे उतना ही प्यार करता है जितना कि मैं तुझे करता हूँ। चला बैठ, एक एक पैक हो जाए, बैठ बैठ एक पैक। मेरे को सब ठीक नहीं लगता है। अरे बैठ ना, घबरा मत, चल बैठ 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 ना। मैं बहुत जल्दी में थोड़ी देर बैठूंगा। बैठ बैठ, घबरा मत। देख, दुनिया के लिए एक नॉर्मल बार है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए एक डांस बार है। हम खास है ना। हाय कशिश, कशिश को तुम जानता है ना, भूल गया? हाँ, कशिश अभी डांस बार में काम नहीं करेगी, मैं इससे शादी करूंगा और तेरी तरह काम काज। खुश है ना? सच बोल रहा है तू? अगर तू ये बात दिल से बोल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए कि तू इज्जत वाला काम करना चाहता है और आम आदमी की जिंदगी बसर करना चाहता है। मगर देख, ये काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। तो फिर हो जाए इसी बात पे पार्टी। आखिर दो दोस्त इतने सालों बाद मिले तो एक पैक तो बन। नहीं नहीं, देख इकबाल, मैं तेरे से पहले बोल चुका हूँ, मैं शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगा। देख, तुझे मेरी कसम, आज मना मत कर, एक पैक यार। कसम वसम नहीं, एक पैक, एक बूंद भी नहीं पीले पीले। अरे नहीं, तो दाम ने तुझे पिलाया? हाँ, अरे नहीं थोड़ी, अरे एक बार नहीं, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे खास दोस्त के लिए खास डांस। सुन विकी, तुझे याद है जिस ब्लैक मनी के लिए मैं जेल गया था? उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं यार? मैं सोचता हूँ कि उसको एक बार दोबारा अंजाम दे दें, आखिरी बार। छोड़ना यार ये, निकल इन सबसे। कृष्णा, हमारे भैया कहाँ गए हैं? दुकान भी बंद है भाई। पता नहीं, एक फोन आया था, वो बहुत टेंशन में थे और जल्दी जल्दी वहां से वो चलेगा। फोन आया था? राजू भैया, आपको कुछ बता कर गए क्या? नहीं, हमेशा भाभी जी बता के जाते पर इस बार कुछ बोलकर भी नहीं गए। पर कृष्णा कह रहे थे कुछ जो टेंशन में थे। टेंशन में थे? फोन क्यों बंद किया है? ये कहां चला गया? आज तक उसने ऐसा नहीं किया। अब जाकर सो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे मुझसे ज्यादा तो तुम टेंशन ले रही हो, सुबह से खाना भी नहीं खाया तुमने। माँ, आज से पहले उनके बिना खाना खाया है क्या? क्या हुआ, ये जागरण क्यों कर रहे हो तुम लोग? वादा तोड़ दिया आपने, शराब पीकर आए? सॉरी,
भाई इकबाल ने जबरदस्ती पिला दी। माँ की कसम मैंने मैंने बोला उससे कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, पिला दी जबरदस्ती। अरे सॉरी बोला ना, मुझे गलती हो गई, मुझे भी बुरा लग रहा है। खाना लगाती हूँ। नहीं मैं खा गया, खाना खा गया। विक्की भैया से दुश्मन नहीं, विक्की भैया बाहुबली, बाहुबली। तुम्हारा टिफिन। क्या किया तुमने? वही जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। तुमने कभी सोचा है विकास, तुम्हारी इन हरकतों की वजह से परिवार कितना दुखी है? कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें जिस रास्ते से निकाला था, तुम वापस उसी रास्ते पर जा रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा विकास? और वो इकबाल? इकबाल के बारे में कोई बात मत कर। इकबाल दोस्त है मेरा, और वो दोस्त मेरा जब से है तब तो मेरी जिंदगी में थी भी नहीं। इसीलिए एक झटके में मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया विकास। ने एक बार भी नहीं सोचा जो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती है उसने खाना खाया भी होगा कि नहीं। तुम इतना बदल जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था विकास। मेरे पास फालतू चीजों का टाइम नहीं है। फोन दो मेरा। नहीं दूंगी। फोन दे मेरा। नहीं दूंगी। बोल रहा हूं ना, फोन दे। नहीं दूंगी। नहीं देगी। फोन दे, फोन दे, दे फोन, फोन दे। देख मैंने पूरा प्लान बना लिया है। आज रात को तू और मैं तिजोरी तोड़ेंगे। बड़ी मुश्किल से आती है ऐसी ऐसी मौके की रात, और वो जो सेठ है ना उधर बैठा है। देख तू वो ताला तोड़ सकता है, हिस्सा बांट लेंगे और निकल लेंगे। मैं कशिश को लेकर दुबई चला जाऊंगा और तू भी अपने परिवार के साथ बैंकॉक घुमाना। कैसा लगा मेरा प्लान? आगे अपनी हस्ती औकात पर रिया और माँ ने ठीक कहा था। ग्रहण है तू, एक ग्रहण। औरत ने मुझे बनाने में 5 साल लगा दिए, पर यहां तक कि अपने आप को मिटा दिया उसने। मगर मैं तुझे क्यों बता? तू क्या समझेगा प्यार, परिवार, विश्वास, दोस्ती क्या चीज होती है? कुत्ते की तू मैं, एक खुदगर्ज इंसान सुधरने का एक मौका मिला था तुझे। तू अरे पागल मत बन, करोड़ों की गेम है और ये तो तू जी रहा है ना, और ये परिवार परिवार चिल्ला रहा है। क्या दिया तूने अपने परिवार को? सिर्फ सपने? छोड़, यही मौका है आसमान छूने का। जा रहा हूं मैं भी, पर एक बात कान खोल कर सुन, अगर आज के बाद अपनी गंदी नजर मेरी परिवार पर लगाने की कोशिश भी की ना, याद रखना विक्की से विकास बनने में 5 साल लगे थे मुझे, मगर विकास से विक्की बनने में 5 मिनट लगेंगे। और जा रहा हूं मैं पुलिस को बताने की क्या प्लान है तेरे। क्या हुआ इकबाल, सब ठीक तो है? मुझे चोरी हाजी करनी है। देख मुझे तू पीछे के दरवाजे से निकाल सकते है क्योंकि मेन डोर पर कैमरा लगा हुआ है। मैं चोरी करके उसी रास्ते से वापस आऊंगा और बांध बंद होने के बाद मेन डोर से निकल जाऊंगा। लोगों को यही लगेगा कि मैं पार्क के अंदर था जब चोरी हुई। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा कि ये चोरी तेरी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी, और हाँ इसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। बोल। वादा रहा। दामिनी वो सेठ उधर बैठा है जिसके घर चोरी करनी है, उसे फंसा कर रख, जब तक मैं ना लौटूं। और हाँ ये लड़का
फिर डमी बनकर यहाँ पे बैठेगा जब तक मैं ना लौटता, ठीक है? चल। इतनी देर से बज रहा है ये। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बोलो भाई। हेलो, कौन बोल रहे हो भाई, बात तो करो। ओ बड़ा परिवार परिवार करता है ना, आज इसी परिवार के लिए तुझे मरना होगा जिगर के टुकड़े। ओ तेरे जिगर के टुकड़े, मुझे अकेला छोड़ के चला गया। सब तेरी वजह से हुआ। मिल गई तुझे ठंडक। क्या मिला तुझे उसको मारकर? बता कुत्ते, क्या मिला तुझे? क्यों मारा तूने? क्यों मारा? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्यों मारा तूने उसे? बोल, क्यों मारा? हंसते खेलते परिवार को सर, मैं बार बार आपसे यही बात कह रही हूँ, मेरे पति चोर नहीं थे। वो एक चोर था और मरते वक्त भी अपने माथे पे चोरी का कलंक लेकर मरा, और उसके जेब से जो नोट मिले वो चोरी के थे, और इसी बंटवारे में वो मारा गया। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो चोरी ही करते तो आज क्या नहीं होता हमारे पास। सर, सर ये सब उस इकबाल का किया हुआ है, उसी ने ही किया ये सब। सर आप, सर उससे एक बार तो पूछिए सर। कल रात विक्की तेरे साथ बार में क्या कर रहा था? आप विक्की मेरे साथ आया था, लेकिन वो बीच में ही चला गया था साहब। साहब मैंने उसे ना किसी से बात करते हुए देखा था फोन पे, वो कुछ चोरी की बात कर रहा था साहब। हो सकता है वो बाहर से निकल के वहीं गया हो। फिर क्या हुआ साहब, मुझे नहीं पता। मारूंगा। एक मिनट सर, बाहर की सीसीटीवी की फुटेज आ गया है, उसमें रात के 10 बजे विक्की और इकबाल बाहर में साथ साथ गए थे, लेकिन सर 11 बजे रात में विक्की बाहर से अकेले निकला, और 1 बजे बाहर बंद होने के बाद कैमरा में इकबाल बाहर से निकलते हुए दिखाई दे रहा है। सर मैंने कहा था ना साहब, अब जब मैं ट्रांसफर में था तो मैं उसे कैसे मार सकता हूं।
माँ जी, माँ कोई तो सुराग होगा इकबाल तक पहुंचने का, उसके बारे में जानने का। कशिश, कशिश, कशिश। मेरा इकबाल कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने सालों उसका इंतजार किया है। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और कुछ ही दिनों में हम लोग शादी करने वाले हैं। अभी अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है। लेकिन हमारी जिंदगी तो अभी खत्म हो गई। माँ बनने वाली हो ना तुम, माँ का दुख तो अच्छी तरह से जानती होगी। और मैंने तो अभी अभी मेरा बेटा खो दिया है, और वो भी तुम्हारे इकबाल की वजह से। उसने दोस्ती का फायदा उठाकर धोखा दिया है। बस मैं इकबाल के खिलाफ एक लफ्ज और नहीं सुन सकती। चले जाओ यहां से। अरे मैंने कहा जाओ यहां से। हेलो। हेलो जानू, कहाँ हो तुम? आंसू नहीं, तुम ये बताओ खाने में तुमने क्या खास बनाया? एक फिल्म की डीवीडी चाहिए, दोस्ती। कहानी मैं बताता हूँ। दो दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से गद्दारी की अपने परिवार के लिए, और फिर वो कभी अपने परिवार के पास वापस नहीं आया, सीधा चला गया ऊपर। आज के बाद अगर तूने मेरा पीछा किया तो मैं तुझे भी वहीं पहुंचा दूंगा। एक कहानी मैं सुनाती, फिल्म का नाम है दोस्ती और धोखा। दो दोस्त थे, एक दोस्त ने दूसरे को दिल में जगा दी और दूसरे ने उसके दिल की धड़कनें छीन ली। आज के बाद मेरे परिवार के ऊपर आग उठाकर भी देखा तो जेल पहुंचा दूंगी। साबित नहीं कर पाऊंगी, कसम खाती हूँ। जब तक साबित नहीं कर लूंगी, अनग्रहण नहीं करूंगी। पहले मेरा पैसा। ले रख, और चाहिए तो मुझसे मांग लेना। इतना प्यार करते हो कशिश से भी ज्यादा? उससे भी ज्यादा। अब कशिश में वो कशिश रही कहाँ? इसलिए तो उसे घर बिठा दिया। तुझे ले जाऊंगा दुबई। और कुछ
जो अपने बचपन के दोस्त का सगा नहीं हो सका, वो अपने होने वाले बच्चे का क्या सगा होगा? मेरे पति तो एक आम इंसान की तरह एक सीधा साधा जीवन जीना चाहते थे, पर उसे वो एक मौका नहीं मिला। तुम्हारे पास तो एक मौका है एक शातिर अपराधी को कानून के हवाले करने का, ताकि कोई और प्रिया विधवा ना हो। और कुछ बोलना है तुम्हें? तुम जा सकती हो। अरे वाह, सारा पैसा हवाला से दुबई पहुंचाना चाहिए। हाँ, और शाम को गाड़ी लेके आ जाना है। ठीक है, एयरपोर्ट जाना है, मैं बाहर में रहूंगा। और सुन, किसी को कानो कान खबर ना हो। भैया टाइम हो गया फ्लाइट का, एयरपोर्ट जाना है। मेरी लेके जाओगे? तैयार हो जा, गाड़ी बाहर खड़ी है, अभी आई। चले। भैया क्यों गले में हड्डी लगा रहे हो? देख, कौन दामिनी कौन कशिश, बाल अकेला है और शेर जंगल में अकेला घूमता है। ठीक है भैया, चल। पुलिस। भैया पीछे के रास्ते चलते हैं। अरे कप्तान, रोका दिया। इकबाल पठान, तेरा खेल खत्म। शादी का वादा मुझसे और दुबई अकेले अकेले? सही कहती है दुनिया तुम्हारे बारे में, तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। वो तो प्रिया जी की वजह से उस दिन मेरी आंख खुल गई, वरना मैं तो तेरे प्यार में अंधी थी। और फिर मैंने प्रिया जी का साथ देने का फैसला किया। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अरे कशिश वशिश गई भाड़ में, वो तो मोहरा थी उस चोरी के लिए। सच्चाई की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। हमने दामिनी से बात की और वो हमारा साथ देने के लिए तैयार हो गई, और फिर हम सब मिलकर पुलिस के पास आए। तुमने जो नोट दामिनी को उड़ाए थे वो चोरी के थे, उसका सीरियल नंबर हमारे पास था, फिर हमने जाल बिछाया और साय की तरह तुम्हारे पीछे लग गए। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं सर, पुलिस का साथ देगा। हाँ साहब, आप जो बोलेंगे डाल दूंगा। नहीं साहब, आप जो बोलेंगे बोलो। हाँ, मैंने सबको यूज किया अपने फायदे के लिए। जेल से बाहर निकलने के बाद मेरा एक ही मकसद था, उस ब्लैक मनी को पाना और इंडिया से बाहर निकलना। लेकिन जब मुझे पता चला कि विक्की सुधर गए तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उस तिजोरी को खोलने के लिए मुझे विक्की की जरूरत थी। क्योंकि उस तिजोरी को या तो सिर्फ विक्की खोल सकता था या फिर मुझे कोई और एक्सपर्ट ढूंढना पड़ता। इसलिए मैंने कशिश और दामिनी को अपने विश्वास में लिया और उधर मैंने विक्की को उसके परिवार से जुदा कर दिया। कशिश और दामिनी को तो पता भी नहीं था, उन्हें सिर्फ इतना था कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। लेकिन मर्डर मेरा प्लान था। प्लान तो तुमने बहुत अच्छा रचा था, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। जिस औरत को तुम कमजोर समझते थे उसी औरत ने तुमको पकड़ा दिया। ले जाओ इसे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। सत्यमेव जयते। सत्य को कुछ समय के लिए दबाया भले ही जाए, लेकिन उसे हराया कभी नहीं जा सकता। विकास एक नेक बहादुर और ईमानदार इंसान था, इसलिए उसने हर लालच को ठुकराते हुए सच्चाई की राह चुनी। प्रिया चाहती तो पति की मौत का बदला इकबाल की मौत से ले सकती थी,
लेकिन उसने कानून का सहारा लिया और कानून पर पूरा विश्वास भी रखा। इकबाल और उसके साथी को चोरी के लिए आईपीसी के सेक्शन 445 और हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इकबाल जैसे लोग खुद तो आपराधिक जीवन जीते ही, लेकिन अगर उनका कोई साथी सुधरना चाहे तो ये लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर उसे वो मौका तक नहीं देते। अगर आप भी कभी खुद को ऐसे किसी गलत दोस्त के दबाव में पाएं या फिर अपने आसपास किसी परिचित को ऐसे दबाव में घुटता देखें तो पहले तो स्वयं उसे समझाने रोकने की कोशिश करें, लेकिन अगर बात हद से बढ़ती दिखे तो फौरन पुलिस को इस बात की सूचना दें। याद रखिए, ऐसे दबाव में एक नहीं कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, हंसते खेलते परिवार इसकी तपिश में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो आज ही से प्रण कीजिए, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, दोस्ती का मुखौटा पहने ऐसे दुश्मनों से, और अपराध का डटकर मुकाबला करें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सच्चाई की राह चुनें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ।